साथियों, भाजपा कोई संकल्प लेती है तो उसे सिद्ध करती है। गरीब, आदिवासी, पिछड़े, देश के लिए जीने वाले एक एक व्यक्ति की मान मर्यादा, सामाजिक न्याय भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। इसी सोच के चलते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी समाज को, पिछड़े वंचित समाज को ये झारखंड देने का बहुत बड़ा काम किया था भाई। और इसी कमिटमेंट के कारण उन्होंने पहली बार अलग से जनजातीय मंत्रालय बनाया ताकि जंगलों में रहने वाले हर साथी की समस्याओं का समाधान हो सके। सोचिए, आजादी के बाद 5 दशक तक देश की एक बड़ी आबादी से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए अलग मंत्रालय ही नहीं था। इतना ही नहीं, आजादी के इतने वर्षों तक पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए जो आयोग बना था वो भी सिर्फ नाम मात्र का था। उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए तब भी कोई पहल नहीं हुई जब आरजेडी के सहयोग से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चलती थी। ये भाजपा की सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। लेकिन साथियों, सामाजिक न्याय तब तक अधूरा होता जब तक सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी इससे नहीं जोड़ा जाता। आजादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारें इसे भी टालती रही। ये भाजपा की सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण देने का काम किया।